दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड की एक ऐसी खूबसूरत जगह में, देवभूमि की एक ऐसी खूबसूरत जगह में जो कि राजवंश के टाइम से ही परिचित रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रताप नगर की। दोस्तों प्रताप नगर जो हमारे राजा थे प्रताप शाह, उनके नाम पर प्रताप नगर की स्थापना हुई है। और ये जो महल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एग्जैक्ट मेरे पीछे, ये महल भी उन्हीं के नाम पे, प्रताप नगर के नाम पे रखा गया है कि प्रताप शाह थे तो हमारा ये नगर जो है ये प्रताप नगर है। और इसी तरह कहा जाता है कि राजवंश के टाइम पे प्रताप नगर हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और शीतकालीन राजधानी हमारी जो टिहरी थी, जहां हमारा महल है राजा का, वो अब डूब चुका है। बहरहाल जो कुछ भी वीडियो शूट करने से पहले, अंदर की स्थिति दिखाने से पहले, मैं आपको अपने दोस्तों से मिला दूं। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरे साथ प्रदीप नेगी, ये भी हाल ही में फॉरेन से घर आए हैं, ये भी आज हमारे वीडियो के साथी हैं, आज के हमारी सफर के साथी है। और योगेंद्र सिंह नेगी जो कि हमारे साथ बिहाइंड द कैमरा हमेशा ही रहते हैं। और चलिए फिर सफर का शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको कि आज इस महल की क्या स्थिति। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं जिस महल की बात हम कर रहे हैं, जिस ये प्रताप नगर की महल की बात कर रहे हैं। ये हमारे पौराणिक टाइम से यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे बसा हुआ है जो प्रताप शाह ने यहाँ पे बनाया था। लेकिन हम जब से यहाँ अंदर घुसे हैं तो हमें शर्म महसूस हो रही है कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये बिल्कुल ऐसी दैनिक स्थिति यहाँ की हो चुकी है कि हमें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी तहसील प्रताप नगर है और वहाँ की जो एक खूबसूरत टूरिज्म प्लेस है उसका हाल आज यहाँ ये है। यहाँ बिल्कुल गोबर ही गोबर, अगर चारों तरफ देखा जाए तो गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है। आप देखेंगे अगर टूरिज्म के नजरिए से ऐसी खूबसूरत जगह को हम देखें तो ये देश के टूरिज्म के मानचित्र पर एक बहुत अच्छे से दर्शाया जा सकता है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो सूबे की सरकार है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें इससे बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि हमारी एक प्रसिद्ध जगह को इस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। देखेंगे ये जो दरबार है, ये जो राजा का दरबार है, यहाँ पौराणिक जमाने में जिस समय राजा रहा करते थे, यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन जो दरबार चलता था वो इसी दरबार में चलता था। आप देखें तो हमारे पीछे दो चूल्हे बना, तो ये भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इतने बढ़िया बना रखे हैं कि इतने सालों बाद भी आज वो इतने अच्छी तरीके से है, इतना अच्छा मटेरियल ऊपर लगा हुआ है कि अपने डैमेज नहीं हुआ। और आप मेरे ऊपर देखेंगे ये जो लकड़ियां है वो भी आज इतने अच्छी तरीके से मतलब सेफ है कि ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी काम हुआ होगा, अगर हमारी सरकार इस पर थोड़ा बहुत भी ध्यान देती तो आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस होता है और एक बहुत ही सुंदर टूरिज्म प्लेस होता है। दोस्तों आप देखिए वीडियो पीछे से आपको वैसा दिख रहा है इस तरफ, तो ये दरबारी यहाँ से आने का रास्ता होता था, वहां से जहां से हम अंदर आए हैं वहां से रास्ता होता था। और जहां पे मैं खड़ा हूं ये राजा के टाइम का एक मतलब मुख्य दरबार इसी को माना जाता था। ग्रीष्मकालीन जो भी उनकी चर्चाएं चलती थी, जो भी राजा मतलब अपने दरबारियों को संबोधित करते थे, वो सब कुछ यहीं से होता। चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये हम इसके एक मुख्य द्वार की तरफ आए हैं और यहाँ देख के बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी गंदगी यहाँ पर है। जानवरों का गोबर से लेके मानव मल तक यहाँ पर है। दोस्तों जो महल आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया उसी के बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ एक दूसरा महल है। और ये महल जो आप बिल्कुल वीडियो के फ्रंट में देख रहे हैं, ये महल कहा जाता था कि यहाँ जो राजा की महारानी हुआ करती थी वो रहते थे। और ये जो आपको दो गुंबद की तरह दिखाई दे रहे हैं, दोनों द्वार, एक ये और एक उस तरफ और एक दूसरी तरफ, ये बिल्कुल हाँ यहाँ पे कहते थे कि इन दोनों पे महारानी आती थी और किसी से बात करना है तो वो नीचे आके महारानी से बात कर लेते थे। कहते थे कि इसके अंदर कुछ इस तरीके की भूल भुलैया है कि अगर किसी को महारानी से मिलना है तो वो विदाउट महारानी के परमिशन से नहीं मिल पाते थे, क्योंकि अंदर जाने का जो रास्ता महाराजा ने बनाया था तो एक भूल भुलैया, एक मिस्ट्री टाइप का था। चलिए फिर अंदर जाके देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं महारानी के महल के अंदर, जहाँ पे महारानी रहती थी।
राजवंश खत्म होने के बाद यहाँ कार्यालय रहा, मतलब जो तहसील चलती थी, जो ब्लॉक चलती थी, तो इन कमरों पे मतलब पूरी सरकार की व्यवस्था चलाने के लिए, सरकार का काम चलाने के लिए राजवंश खत्म होने के बाद इन कमरों पे कार्यालय चलता था। अब दोस्तों हम जिस मोटिव से आए हैं आपको महल दिखाने, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप कंटेनर देख रहे हैं, ये भी उस समय का है जिस समय राजा हुआ करते थे। और ये जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये जो टीन के आगे बिल्कुल एक थोड़े छोटे छोटे से वो कंटेनर टाइप के, जहां से स्टोर होके पानी, ऊपर से जितना भी पानी गिरता था वो उनके जरिए सीधा इस कंटेनर पे चले जाता था। दो कंटेनर है, तीन कंटेनर है, क्या पता और बड़े रहे हो पुराने टाइम पे, लेकिन अभी तक यही बचे हुए हैं। थोड़ा ये कंडीशन में है तो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप जो ये मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये महल का वो कोना है, बीचों बीच वाला कोना है जहां पर हम अभी पहुंचे हैं। तो इतने अच्छी तरीके से उस समय का उन लोगों ने इतने अच्छे पानी स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए सारी सुविधाएं कर रखी है। और आज के डेट में यहाँ कुछ भी नहीं है, देखे तो एक परिंदा भी यहाँ नहीं आ रहा है। आज जब हम आए हैं तो हमारे पीछे ये स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ आए और हम लोग जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अमूमन यहाँ जो यहाँ के दरवाजे हैं, जो इस महल के कपाट हैं, वो हमेशा बंद रहते हैं। ये रनिवास के लिए जो सीढ़ियां आ जाती, इतनी कंजेस्टेड बना रखी हैं ताकि कोई भी भीड़ भाड़ या अनचाहे तत्व तो यहां ना जा सके। और ये बिल्कुल ऐसी है कि सिर्फ 2 फीट चौड़ी होगी ये सीढ़ी। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं जो जो महल के बाहर जो ग्राउंड है, जहाँ से कहते थे कि राजा संबोधित करते थे और जो भी उनकी सेना रहती थी, जो भी उनके दरबारी रहते थे, वो यहाँ नीचे रहते थे। दोस्तों आप एग्जैक्ट जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो अब टूट चुका है, यहाँ कहा जाता था कि जो प्रताप शाह की महारानी थी, जो हमारी महारानी थी, वो यहाँ स्नान करते थे। वहां से एक रास्ता आता है, जब उस समय राजवंश के समय में वहाँ पे पानी हुआ करता था और हमारी जो महारानी थी वो वहाँ पे स्नान किया करती थी। और यहाँ से देखिए आप, ये जो पीछे आपको एग्जैक्ट आगे दिख रहा है, बिल्कुल महल के फ्रंट में, तो ये पूरी हिमालय की श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है। बहुत प्यारा व्यू यहाँ से बन रहा है। और आप अगर इसको टूरिज्म के तरीके से देखें, तो कोई भी अगर सैलानी, कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ आएगा, तो इससे बढ़िया जगह टूरिज्म के नाम पे दूसरी नहीं हो सकती। दोस्तों ये एक अच्छा सा मैदान इसके आगे है, एक चौड़ा सा फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। इसके पीछे इंटर कॉलेज है प्रताप नगर का, यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं जब भी इनकी स्पोर्ट्स की घंटी हो, पेरेड हो। और अगर इसको टूरिज्म के मानचित्र पे दर्शाना चाहें, अगर हम चाहें कि हमारा प्रताप नगर भी टूरिज्म पे आए, टूरिज्म के मानचित्र पे दर्शे, तो यकीनन सरकार को इसके पीछे कुछ ना कुछ अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि हमारे जो लोकल टूरिज्म प्लेस है वो भी प्रसिद्ध हो पाए, हिट हो पाए। दोस्तों यहाँ प्रताप नगर के कुछ होनहार स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जो यहाँ खेल रहे थे, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि यहाँ की क्या दैनिक स्थिति है, यहाँ के क्या हाल है, और तो पूछते हैं इनसे। अच्छा तो या टूरिस्ट आंदा कोई, या फिर कोई भैरा का लोग आंदा ये महल देखण, या का स्थिति देखण है? आते बहुत हो गए यहाँ पर जो फॉरनर वगैरह, पर इस यहाँ महल की स्थिति देखकर लोग अंदर नहीं जा पाते। तो ये स्थिति है यहाँ की, गंदगी इतनी है कि अगर कोई टूरिस्ट अगर यहाँ आता है तो गंदगी देख के वापस लौट जाता है। अच्छा तो तुम क्या चाहता है कि एक क्या छंद हुई हो? यहाँ पर विकास होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और महल को थोड़ा ठीक करा जाए ढंग से, और इसका पुनः निर्माण होना चाहिए। अच्छा तो देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे देश के आगे के भविष्य, हमारे जो प्रताप नगर के भविष्य हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ निर्माण कार्य दोबारा होना चाहिए। ये जो महल है इसको मतलब एक अलग तरीके से फिनिशिंग होनी चाहिए, और यहाँ जो साफ सफाई जो मैटर आजकल बहुत चर्चित है, पॉलिटिक्स में भी, हर जगह भी, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। दोस्तों चाहे टूरिज्म का प्लेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम छोटा हुआ हो चाहे बड़ा, लेकिन साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। और ये महल की ऐसी हालत है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि
हमें खुद वहां अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा केवल मकसद आपको प्रताप नगर दिखाना नहीं था, बल्कि स्वच्छता के लिए एक छोटी सी पहल थी कि ताकि हमारा देश भी स्वच्छ और सुखी बन पाए। करके आ चुके हैं अभी यहाँ पे। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं हमारे पीछे, हमारे नीचे, ये रास्ता पूरा 4 फुटी रास्ता है और ये प्रताप नगर से धारकोट के लिए जाता है। ये राजवंश के समय का रास्ता है, इसमें घुड़सवारी चलते थे, राजा की गाड़ी चलती थी। और आप देख रहे हैं कि प्रताप नगर वहां से, जहां से अभी कैमरा ने शूट किया होगा, वहां से अभी हम यहाँ तक पैदल का रास्ता तय करके आ चुके हैं। और अब जो प्रताप नगर के बारे में जो ऐतिहासिक तत्व है, प्रताप नगर की जो पृष्ठभूमि रही है, राजाओं की जो पृष्ठभूमि रही है, वो मेरे दोस्त प्रवीण आपको बताएंगे। प्रताप नगर जो है वो समुद्र तल से 2200 मीटर की हाइट पे स्थित है और प्रताप नगर न्यू टिहरी से करीब करीब 80 किलोमीटर और उत्तरकाशी से करीब करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रताप नगर, राजा प्रताप शाह टिहरी के जो संस्थापक राजा थे, सुदर्शन शाह 1815 उनके नाती थे। सुदर्शन शाह के बेटे हुए भवानी शाह के बेटे प्रताप शाह। तो प्रताप शाह जो राजा थे प्रताप नगर के, जिन्होंने प्रताप नगर की स्थापना की थी, और उनके बेटे हुए थे कीर्ति शाह। एक्चुअल उनके जो बेटे कीर्ति शाह हुए थे, जिन्होंने कीर्ति नगर की स्थापना की, वो उनकी 8वीं रानी से हुए थे। प्रताप नगर जो टिहरी का एक विकास खंड है, विधानसभा क्षेत्र है और एक तहसील है प्रताप नगर टिहरी में। प्रताप शाह ने बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य भी किए हैं टिहरी के लिए, जैसे टिहरी से जो मसूरी मार्ग है या टिहरी से श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुका है वो भी प्रताप शाह की देन है, या टिहरी में जो फर्स्ट इंग्लिश स्कूल खुला था, विद्यालय खुला था, वो प्रताप शाह की जो रानी थी 8वीं रानी गुलेरिया करके, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों